हेलो गाइज, मैं खुशी रूप आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। रानो मंडल की बेटी वापस आ गई है, ये सबको पता है, पर सबके माइंड में ये एक सवाल उठे जा रहा है कि शोहरत की वजह से आई है। जब उसको पता चल गया कि मेरी माँ बहुत ही ज्यादा फेमस हो गई, उसकी वजह से आई है। और उसी जगह पर रानो मंडल तो बहुत ही ज्यादा खुश है, 10 साल के बाद आ गई है बेटी वापस, पर किस वजह से आई है और क्यों छोड़ दिया था ऐसे ही लावारिस कि भीख मांग रही थी। रानो मंडल एक रेलवे स्टेशन में गाना गा के अपना गुजारा कर रही थी, उसके पीछे क्या रीजन है, क्यों नहीं आई थी पहले उसकी बेटी, चलिए आज की न्यूज में हम आपको बता देते हैं उसके पीछे की बात क्या है। रानो मंडल इतने साल से अपनी बेटी से दूर क्यों थी और अब भी उसकी बेटी भागी भागी क्यों चली आई है रानो मंडल के पास। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, दुनिया भर की खबर हम आप तक जल्द से जल्द पहुंचा पाए। और साथ के साथ अगर आज की जानकारी अच्छी लगी तो एक कमेंट तो बनता है, कमेंट तो करके जरूर जाइए और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए भी जरूर जाइए। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज। रानो मंडल एक क्रिश्चियन है। रानो मंडल बंगाल के राना घाट रेलवे स्टेशन पे गाना गा के अपना गुजारा करती थी और अभी अभी हाल ही में ही उनको एक रियलिटी शो में देखा गया जहां पर उनसे पूछा गया था कि आप वहां पर गाना क्यों गाती थी। तब उन्होंने हंसते हुए अंदाज में बहुत ही बेचारा सा मुंह बनाया उन्होंने और फेस बनाया, मतलब कि उनका फेस देख के काफी सारे लोग इमोशनल हो गए, वहां पे जजेस बैठ के इमोशनल हो गए। एक्चुअली उन्होंने बोला कि मेरा खुद का घर होते हुए भी घर नहीं था। और उसी के साथ उन्होंने ये चीज बोला कि कभी कोई बिस्किट दे जाता था तो कभी कोई खाने के लिए खाना दे जाता था, और कभी कोई पैसा दे जाता तो कभी कोई कुछ कपड़ा दे जाता था। कि अभी भिखारी है तो भिखारियों का तो यही हाल होता है, आप लोगों ने तो देखा होगा कि उनको ऐसे ही दिया लिया जाता है, बस इतना सा होता है। और उसी के साथ रातों रात यही रानो मंडल आज सेलिब्रिटी बनी हुई है और उन्होंने अपना पहला गाना भी गा दिया है और वो गाना हिमेश रेशमिया के साथ गाया है। और सुना भी जा रहा है कि इनको रेकमेंड सलमान खान ने किया था और सलमान खान के साथ भी रानो मंडल की कुछ ऐसी बातें हैं जो वायरल हो रही है, पर अभी तक उसके ऊपर कोई सच्चाई नहीं चल रही है। पर अभी हम लोग आपको ये बता दें कि हर एक के मुंह पे रानो मंडल की तो बात है, रानो मंडल की आवाज, क्योंकि उनकी आवाज को लता मंगेशकर की आवाज के साथ कंपेयर किया जा रहा है। पर लता मंगेशकर की जो बहन है उनका भी इसके ऊपर अभी तक कुछ कहना नहीं है। तो उसी के साथ अभी हम लोग आते हैं पॉइंट पे, उनकी जो बेटी है 10 साल से क्यों दूर थी, यही सबका सवाल है। और अभी वो वापस आ गई भागी भागी तो लोगों को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि 10 साल से अपनी माँ को क्यों छोड़ा हुआ था, क्या उसको दर दर ढोकड़े खिलानी थी, सब चीजें बहुत सारे सवाल आते हैं। तो हम आपको ये चीज बता दे कि सच में रानो मंडल की जो बेटी है वो उनकी दौलत देख के ही वहां पर भागी भागी आई है। उसके पीछे ये राज है कि जब 10 साल पहले ऐसे किसी को ये लोग बिछड़ नहीं गए थे, इसकी जो बेटी है रानो मंडल की जो बेटी है, रानो मंडल की बेटी ने अपने घर से अपनी माँ को निकाल दिया था। अभी आप सोचेंगे कि वजह क्या थी जब उन्होंने निकाल दिया, तो गाइज वजह ये थी कि उनके जो लुक्स थे, उनका जो पहनावा था, उनका जो फेस था, वो उनकी बेटी को अच्छा नहीं लगता था और वो अपनी बेटी, वो जो उनकी बेटी थी वो अपने आप को कुछ ज्यादा ही खूबसूरत समझती थी, तो इसीलिए अपनी माँ के साथ कंपेयर कर बैठी और शायद आज नहीं कंपेयर कर सकती क्योंकि रानो मंडल इस ऊंचाई तक पहुंच गई है कि उनको कोई भी छू ही नहीं सकता, उनकी आवाज को इतना ज्यादा पसंद किया जा रहा है। पर अभी भी हाल ही में भी वो जब अपनी माँ को मिलने के लिए आई तब माँ का खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि बोलते हैं ना माँ तो माँ ही होती है, बच्चा चाहे कोई कुछ भी कर ले पर माँ जब सामने बच्चे को देखती है तब सब दुख भूल जाती है, बच्चे ने कुछ भी किया हो बस गले को लगा लेती है। और वैसे ही रानो मंडल ने किया, अपनी बेटी को जब सामने देखा तब गले लगा लिया और उसके साथ कुछ दो गाने भी गाए और वो जो वीडियो है वो भी सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है और साथ के साथ रानो मंडल के साथ उनकी बेटी की भी वीडियो वायरल हो रही है, मतलब कि रानो मंडल के साथ उनकी बेटी भी फेमस हो गई है। और उन्होंने बोला कि ये मेरी दूसरी जिंदगी है, मैं ज्यादा से ज्यादा बेहतर करने की कोशिश करूंगी। तो गाइज ये बात तो सामने आ चुकी है कि रानो मंडल की दौलत की वजह से और शोहरत की वजह से और उनकी कामयाबी को देख के बेटी वापस आई है। ऐसी बेटी को तो एक्चुअली रानो मंडल को अपने साथ रखना ही नहीं चाहिए। तो आप क्या बोलते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आज की जानकारी आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक ठोकते हुए जरूर जाइए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया
तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।